YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। रांची रोड में आज इंडियन रोटी बैंक झारखंड की शाखा खोली गई। सत्यगढ़ी सेवा समिति हरदोई द्वारा संचालित रोटी बैंक के स्टेट कोऑर्डिनेटर दीपक तिवारी को बनाया गया है। मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों ने हरी झंडी दिखलाकर गरीब बच्चों के लिए रोटी देकर छात्रों को रवाना किया ताकि वे रोटी गरीब बच्चों के बीच बांट सके। कार्यक्रम में बतौर अतिथि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद सदस्य रविंद्र तिवारी, भाजपा नेता अमित उपाध्याय, सांसद प्रतिनिधि सह भाजपा नेता मंगल सिंह, आशु नेता रुद्र शुक्ला समेत काफी संख्या में लोग शामिल थे। मौके पर इंडियन रोटी बैंक के स्टेट कोऑर्डिनेटर दीपक तिवारी ने लोगों से संगठन से जुड़कर गरीबों के मदद के लिए आगे आने की अपील की। हमारी एक बड़ा ही विकराल समस्या है और मुझे लगता है कि किसी भी देश और समाज के लिए अगर युवा वर्ग अगर भुखमरी के खिलाफ लड़ने का ठान ले तो ये बड़ा ही शुभ लक्षण है। और मैं इसके लिए आज इस पलामू की धरती पर यहाँ के धरती पुत्र दीपक भाई दीपक तिवारी जी का कोटि कोटि आभार और अभिनंदन करता हूँ, इसलिए कि गरीबों को रोटी देने की मन में अगर भावना जगी तो यह बड़ा ही अभिनंदनीय और वंदनीय है। मैं इसके लिए कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही आम नागरिकों से यह अपील करना चाहूंगा कि अपने घरों में जो खाना वो फेंक देते हैं उनको अगर ज़्यादा हो जाता है तो इनका फ़ोन लेकर इन्हें सूचित करें और वो कलेक्शन करके आम गरीबों को बीच बांट देने का काम किया जाएगा। ये नाली में न जाए, बेकार बर्बाद न हो। हमारे देश में एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि 26,000 मीट्रिक टन मोटा मोटी खाने का सामान प्रतिदिन बर्बाद हो जाता है, एकदम सत्य, जो काफ़ी दुखद ही नहीं चिंता का विषय है। तो हम लोग जो सक्षम परिवार के लोग हैं जिनके घर में अगर ये बच जाता है तो फेंके नहीं, उस संगठन के लोगों को सूचना दे करके उनको उपलब्ध करा दें, वो लोग उचित जगह पर उसको पहुंचा देगा। साथ ही जो कपड़े बच्चों के बड़ों के जो भी कपड़े उनके पास बेकार पड़े रहते हैं वो भी कार्यकर्ता संग्रह करेंगे और आम गरीब लोगों में बांटेंगे। इस पुनीत कार्य के लिए मैं पुनः इन सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन और अभिनंदन करते हुए बात को समाप्त करता हूं। इंडियन रोटी बैंक हमने शुरुआत किया है और अभी तक बहुत ही अधिकारी पदाधिकारियों का राजनेताओं का और युवा साथियों का साथ मिला। कम से कम 200 लोग आज पहली बार उपस्थित हुए हैं और ख़ास तौर पर डॉक्टर अमित उपाध्याय जी, किशोर पांडे जी, रविंद्र तिवारी जी, ट्विंकल गुप्ता जी, रविशंकर गुप्ता जी और रुद्र शुक्ला जी, ये सभी इस रोटी बैंक के संरक्षक बनने का कार्य किए। युवा साथी जहाँ भी रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या चौक चौराहे पर जो वंचित और कमज़ोर बुजुर्ग ज़रूरतमंद लोग दिखेंगे जिनको भोजन की आवश्यकता है वैसे लोगों तक रोटी बैंक उनके लिए भोजन पहुँचाएगा, यही हम लोगों का मूल उद्देश्य है। रोटी बैंक जो पलामू जिला में आज से संचालित हो रहा है, पहले भी विभिन्न जगहों पर चलता था लेकिन दीपक तिवारी जी की अध्यक्षता में जो यह कार्यक्रम चल रहा है हम लोग इसमें सदैव अपना योगदान देंगे और इस रोटी बैंक को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे।